कम बैक। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए सब तरस रहे हैं। आज के टाइम पर चाहे तुम कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, बट पब्लिक को कम बैक मांगता है। बोले तो अगर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने फैन को 1000 करोड़ की फिल्म दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आने वाले 2 सालों में कई एक्टर्स का तगड़ा वाला कम बैक हो सकता है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से सुपर स्टार हैं जिन्हें आज भी कम बैक की जरूरत नहीं। क्या एक फिल्म फ्लॉप होने से किसी को फिर से कम बैक की जरूरत होती है? नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रभास आज के टाइम पर एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का ब्रांड बन चुका है। ये पहला ऐसा एक्टर है जिसने इंडियन सिनेमा का पूरा हुलिया ही बदल डाला। जब हम तमिल, तेलुगु, बॉलीवुड की कैटेगरी वाली फिल्मों में पड़े रहते थे, तो ही प्रभास ने बाहुबली जैसी मास्टरपीस मूवी बनाकर इंडियन सिनेमा को पैन इंडिया लेवल दिया। बट सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रभास ने खुद के दम पर अपनी किस्मत बनाई, या फिर आज के टाइम पर प्रभास पर जो सुपरस्टार का टैग लगता है वो किसकी देन है? तो मेरी मानो तो प्रभास के स्टारडम में सबसे बड़ा हाथ यशस राजा मौली का आता है। ये बंदा ऐसा है ना, आज के टाइम पर जिस पर अपना हाथ रख दिया वो सुपरस्टार बन गया, फिर चाहे अर्जुन कपूर और अपने उछल कूद टाइगर श्रॉफ ही क्यों ना हो। अबे साले तभी अब आप बोलेंगे कि नाग अश्विन कहाँ कोई बड़ा डायरेक्टर था, उसे तो कोई भी नहीं जानता था। तो फिर कल्कि ने 1000 करोड़ प्लस की कमाई कैसे की? तो मेरे भाई, तब तक प्रभास ने खुद को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार साबित कर दिया था कि पब्लिक को इस पर भरोसा हो गया, ये बंदा कोई मामूली पिक्चर नहीं कर सकता। तो यहीं पर ये बात भी फिट बैठती है कि प्रभास एक ऐसा एक्टर जो किसी भी डायरेक्टर पर हाथ रख दे उसकी किस्मत बदल जाएगी। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, भले इस सावर, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी फिल्में मार्केट के अंदर भौकाल नहीं मचा पाई, बट पब्लिक की उम्मीद टूटी नहीं। फिर सलार और कल्कि से फिर दिल जीत लिया। अब तो प्रभास ने अपना स्टारडम कुछ ऐसा सेट कर लिया है कि आने वाले 4-5 सालों तक कोई उसे टस से मस नहीं कर सकता। फिर चाहे संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट हो, या सलार 2, या फिर कल्कि 2 और द राजा साहब, यानी प्रभास का बैंक बैलेंस खचाखच भरा पड़ा है। अब इस चीज को सबसे जल्दी समझा अपना किंग खान। एसआरके को देखा जाए तो चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनकी फिल्में कुछ खास पसंद नहीं आई। हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, फैन, डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सैगल, जीरो। अब जीरो से एसआरके की इस कदर हालत हुई कि मानो इंडस्ट्री से गायब ही हो गया। अब जीरो आई 2018 में, तब तक पैन इंडिया की न्यू प्रभास ने रख डाली थी बाहुबली से। तो एसआरके ने 4 साल का ब्रेक लिया, या फिर कह सकते हो कि कमबैक की तैयारी। फिर 2023 में पठान से धुआंधार शुरुआत की। अब एसआरके का पठान से कमबैक होने का सबसे बड़ा रीजन डायरेक्टर नहीं बोल सकते आप, प्रभास और भले ही डायरेक्टर यशस राजामौली का टैग लगा सकते हो, बट एसआरके ने अपना खुद का स्टारडम सेट किया, क्योंकि पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कुछ अच्छा खासा भौकाल नहीं था। तो फिर कैसे एसआरके ने एक तगड़ा वाला कमबैक किया? देखिए, एसआरके को पठान से पहले एक चॉकलेटी बॉय के रूप में जाना जाता था। बोले तो एसआरके को रोमांस का किंग कहा जाता था, बट एसआरके जब 4 साल बाद पठान लेकर उतरा तो उसने खुद को एक एक्शन अवतार में प्रेजेंट किया। उसने खुद को बदला, अपनी बॉडी सॉडी बनाई और घूम का इंटरव्यू में लोगों को बताया कि तुम लोग मेरे को सिर्फ रोमांस का बादशाह जानते हो, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन किसको बोला जाता है। और ये भी बोला कि मैं पहले से ही एक एक्शन हीरो बनना चाहता था, बट तुम लोगों ने मुझे रोमांस का किंग बना डाला। फिर क्या, पठान के आते ही पब्लिक हैरान हो गई, वो तेरी ये तो 55 साल का एसआरके तो कमाल कर डाला। फिर क्या, एटली के साथ तैयारी कर ली, फिर लोगों के दिलों में एक कूट कूट कर भरा कि इसमें एक्शन बाप लेवल का होगा, और अपने दमदार लुक और स्वैग से लोगों का दिल जीत लिया। और यही नहीं, एसआरके अब किंग जैसी मास्टरपीस मूवी से फिर से भौकाल मचाने वाला है, जिसके लिए मैं स्पेशली बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। तो किंग खान ने तो अपना कमबैक कर लिया, क्या बॉलीवुड का भाईजान कमबैक कर पाएगा? अगर अक्षय कुमार के बाद पब्लिक दिल से किसी एक्टर के कमबैक के लिए तरस रही है तो वो है अपना भाईजान। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भाईजान को क्या हो गया, अपने हीरोगिरी पर उतर आए और फिर राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी वाहियात फिल्म देकर अपने अच्छे खासे करियर की वाट लगा ली। और फिर जब एसआरके अपने कमबैक की तैयारी कर रहा था तो लगे हाथों भाईजान ने भी अपना भौकाल सेट कर दिया पठान के अंदर एक दमदार कैमियो करके, और फिर एसआरके के साथ साथ भाईजान की भी जय जयकार होने लगी। बट अफसोस कि तुरंत टाइगर 3 आई, उतना भौकाल नहीं मचा पाई जितना चाहिए था। बट अगर मैं बोलूं तो भाईजान ने एसआरके से वो कमबैक वाला फार्मूला ले लिया है, बोले तो साउथ डायरेक्टर के साथ काम करना। और फिर क्या, गजनी जैसी मास्टरपीस मूवी के डायरेक्टर ईआर मुरुगदास, जिनके साथ भाईजान की सिकंदर की शूटिंग चल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ, यही वो फिल्म है जिसका भाईजान को इंतजार था। सिकंदर से भाईजान का कमबैक 100% कंफर्म है भाई। और उसके बाद तो जो एटली के साथ भाईजान का प्रोजेक्ट आ रहा है ना, वो तो एटली का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले सालों में भाईजान क्या रौला सेट करने वाला है। अब आते हैं अपने खिलाड़ी भाई पर।
खिलाड़ी भाई एक ऐसा एक्टर है जिसके कमबैक के लिए पब्लिक भीख मांग रही है, क्योंकि ये पहला एक्टर है जिसे लड़ा कर देख लो, कॉमेडी करवा कर देख लो, यानी खिलाड़ी हर जगह फिट बैठता है। इसलिए पब्लिक चाहती है कि किसी का कमबैक हो ना हो, अपने खिलाड़ी भाई का कमबैक हो, क्योंकि खिलाड़ी ने हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा गरम मसाला जैसी बेहतरीन फिल्में दी जिसे पब्लिक आज भी सुपर स्टार मानती है। तो पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर खिलाड़ी भाई को कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। वेलकम टू द जंगल, हाउसफुल 5, स्काई फोर्स, हेरा फेरी 3 और प्रियदर्शन की भूत बांगला। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अरे भाई इनमें से वो कौन सी फिल्म है जिससे अपना खिलाड़ी कमबैक कर सकता है, तो मेरे हिसाब से हेरा फेरी 3 को पहले साइड रखो, उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। देखिए खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पब्लिक कॉमेडी अंदाज के लिए पसंद करती है, तो वेलकम टू द जंगल, हाउसफुल 5, भूत बांगला ये फिल्में कमाल कर सकती है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि 1000 करोड़ कमा सकती है, क्योंकि आज के टाइम पर पब्लिक अगर थिएटर जाती है तो उसे मांस मसाला और कुछ हटके मिले तभी थिएटर जाएगी। तो अगर खिलाड़ी को कोई 1000 करोड़ फिल्म देना है तो उसे कोई खून खराबा जैसी फिल्में तो करना पड़ेगा, वो भी डिफरेंट लुक में। तो खिलाड़ी के कमबैक में दो चीज आती है, अगर खिलाड़ी कॉमेडी जैसी फिल्में करेगा तो वो भले ही कितनी भी अच्छी हो बट वो वाला स्टारडम नहीं मिल पाएगा। कौन सा स्टारडम? अरे भाई प्रभास वाला। जी हां, प्रभास का स्टारडम हॉलीवुड लेवल का हो चुका है, तो अगर खिलाड़ी भाई को भी वैसा स्टारडम बनाना है तो उसे कॉमेडी जोनर से थोड़ा हट के फिल्में पकड़ना होगा, वो भी बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ, लाइक SS राजामौली, एटली, प्रशांत नील। अब खिलाड़ी तो ये खुद नहीं चाहेगा कि मैं SS राजामौली के साथ काम करूं, क्योंकि भाई कौन 5 साल गवाएगा, 5 साल में तो खिलाड़ी कम से कम 25 फिल्मों का काम निपटाएगा, तो काय को खिलाड़ी इतना बड़ा लॉस झेलेगा। और रही प्रशांत नील की बात, वो बंदा बिजी है भाई, NTR 31, Salaar 2, KGF 3, वो तो टाइम नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि खिलाड़ी को किस डायरेक्टर को पकड़ना चाहिए। अब खिलाड़ी के पास एक चीज बचती है कि वो खुद के भरोसे अपना स्टारडम सेट करे, लाइक SRK। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की कि खिलाड़ी ने स्त्री 2 से एक अच्छी खासी हाइप बना डाली है और हॉरर यूनिवर्स का थानोस बन चुका है, तो फिलहाल अभी स्त्री 3 बहुत लेट आएगी। फिलहाल आज के टाइम पर भी अभी तक खिलाड़ी ने वो फिल्म नहीं पकड़ी जो 1000 करोड़ का थप्पा लगा दे, बट उन्हें आज भी लगता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है। बात तो सही है। तो मैं आपको आज के टाइम पर कमबैक के 3 फॉर्मूले देता हूँ। एक तो भौकाली डायरेक्टर को पकड़ो जिसका मार्केट में अच्छा खासा भौकाल हो। दूसरी चीज खुद के दम पर कंटेंट वाइज, अरे थोड़ा हट के जिससे पब्लिक तुम्हें ऐसा कभी ना देखी हो, लाइक SRK तुमने अभी तक जितने भी रोल किए हो उसका बाप हो। तीसरी चीज इस टाइम पर कैमियो, जी हाँ किसी भी बड़ी पिक्चर में विलन या एक्टर का कैमियो करो जिससे पब्लिक के दिल में आपके लिए जगह बन जाए, फिर गरम लोहा पर हथौड़ा मार दो, कमबैक पक्का। तो आपके हिसाब से आज के टाइम पर कमबैक कैसे हो सकता है, अपने खिलाड़ी भाई की वो कौन सी पिक्चर है जिससे खिलाड़ी कमबैक कर सकता है।